ओम शांति। आज की तारीख है 24/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, जिनका नाम शिव पिता है, वो हम बच्चों को हमें अपना ज्ञान देते हैं। यानी मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पिता कौन है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। फिर ये सृष्टि चक्र क्या है, तो मीठे बाबा हमें सारा ज्ञान सुनाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे पहला निश्चय करो। क्या निश्चय करें? कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। पोतरा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। तो पहले हमारा ब्रह्मा बाबा पिता है और फिर ब्रह्मा के पिता शिव बाबा है, तो हम ठहरे शिव बाबा के पोतरे। प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो बाबा कहते हैं ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो फिर सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न आए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी, ये भी गुह्य राज है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के मधुर महावाक्य। नंबर एक है, साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है। हाँ, बाबा बता चुके कि पहले क्या निश्चय करना है। तो निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। नंबर दो है, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर फिर पावन दुनिया में चलना है। वरदान ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दुनिया में साइंस का भी बल है ना, वो भी एक शक्ति है। राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है और इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं
सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।